हेलो दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ पे ऑटो सेक्टर में ऑटो इंसिलरी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों डिस्कस करेंगे हम लोग। उस पर कितना कर्जा है उसका भी डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है। और हमारे चैनल पर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड मेथड ऑफ द ट्रेडिंग मिलेगा कि कौन से मेथड में कितना उसकी एक्यूरेसी है। उसके अलावा जो है नए नए एक्सपेरिमेंट भी हम ट्रेडिंग से रिलेटेड करते रहते हैं। उसके अलावा जो है सो आपको मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज रहता है उसको डिस्कस करते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और हम किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। आप जब भी इस रिलेटेड आपको खरीदना या बेचना है तो अपने सेबी रजिस्टर एडवाइजर से बात करके ही कीजिएगा, क्योंकि यह एक बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो रिस्की वाला काम है और आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। आप जो है सो रैंडम तरीके से खरीद या बाई नहीं करें, बिना समझे बिना सोचे आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा यहाँ डूब सकता है। तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है सो एक तरह से कहा जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा तो उससे क्या होगा। इसलिए आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो सोच समझ के पैसा लगाइए ताकि आपका पैसा डूबे नहीं, अदरवाइज आपका पैसा डूब जाएगा, आप रोते रहेंगे, शेयर मार्केट को गाली देंगे। और जल्दीबाजी में नहीं आए कि आज ही हमें करोड़पति बनना है, इस टाइप के भी थॉट लेकर अगर आप मार्केट में आते हैं तो आपका डूब जाएगा। ट्रेडिंग में कभी भी भूल कभी नहीं आए, क्योंकि ट्रेडिंग उन लोगों का काम है जो 4 साल 5 साल मार्केट में बिता चुके हैं, जो सारे ऑपरेटर और प्रोमोटर के खेल को समझते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग है, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। तो नए लोगों से खास करके हमारा अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करें, आप लोग इन्वेस्टिंग करें या फिर जो है आप ETF में पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड में, जब तक मार्केट को समझे नहीं, क्योंकि यह यहाँ पे बड़े प्लेयर हजारों करोड़ के जिनके पास फंड है वो प्ले करते हैं, आपके पास 10,000-20,000 रुपए आप ऐसे ही खत्म हो जाओगे। तो क्या मतलब है ट्रेडिंग करके? आप आज चाहते हो कि अरे हम आज ही करोड़पति बन जाएं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक प्रमोटर जो है सो 50 साल 100 साल का व्यू रहता है और साथ में एक ऑपरेटर का व्यू रहता है कि इन्वेस्टर का व्यू जो है मान लीजिए कि 20 साल का है और ऑपरेटर का व्यू कम से कम 4 साल 5 साल का रहता है कि हमें पैसा बनाना है। ऑपरेटर कब बनता है आदमी? जब एक बड़ा पैसा उसके पास नॉलेज है, अब बड़ा पैसा नॉलेज जानकारी है इन्फॉर्मेशन बढ़िया इन्फॉर्मेशन पूल है तो बड़ा पैसा बनाता है। इसलिए आप लोग संभल के काम कीजिए, जब जल्दीबाजी में आइएगा तो इधर लूट जाइएगा, लूटने के बाद अब शेयर मार्केट को गाली देते रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और हम लोग सबसे या पहला, चूंकि ऑटो में जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है कंपनियां, जैसे मदरसन एंड सुमिंग वायरिंग के काम करती है, GNA XL का काम करता है, पेरिकोल हो गया, राजस्थान बोलते राज रतन ग्लोबल हो गया, राणे ब्रेक बनाता है, NDR ऑटो कंपोनेंट हो गया, पावना इंडस्ट्रीज हो गया, फ्रंटियर स्प्रिंग जो कि स्प्रिंग बनाता है, साल ऑटोमोटिव हो गया, इनके ही व्हील्स बनाता है, काइनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, क्रांति इंडस्ट्रीज हो गया, वैरोक इंजीनियरिंग हो गया। तो ये जो है सो ऑटो की एक तरह से लीडिंग जो पार्ट्स बनाती हैं और ये अपने एरिया में एक तरह से कहा जाए तो इनकी अच्छा खासा दबदबा है। तो इनका एनालिसिस करेंगे, चार्ट का एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और फिर आपको यहाँ पे आपको एनालिसिस करने से आपको ये पता चलेगा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे बाई और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी हमारे पास में मदरसन एंड सुमिंग वायरिंग करके है, तो इसको पहले हम लोग देखेंगे। इसका पहले फंडामेंटल एनालिसिस होगा, फिर हम लोग जाएंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस पे, क्योंकि फंडामेंटल जो है वही बेस है टेक्निकल एनालिसिस का। तो ये एक तरह से कहा जाए तो मदरसन एंड सुमी जो है 208 रुपए पे चल रहा है यहाँ पे, और 52 वीक लो 86 का है, तो अभी 52 वीक हाई पे चल रहा है। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो है सो आपको मार्केट कैपिटल इसका जो है सो 1,38,879 करोड़ रुपया का 1 लाख है, मतलब कि 800 इतना करोड़ रुपया का मार्केट कैपिटल है, फेस वैल्यू 1 रुपया का है, ठीक है। और अर्निंग पर शेयर कम है, 1.66 रुपया है, जो कि मतलब ये ईयरली देख रहे हैं हम लोग तो उसके हिसाब से ज्यादा होना चाहिए, और कंबाइंड भी कम ही है। पी रेशियो 123 का है, मतलब देखिए पी रेशियो 20 का होना चाहिए तो 123 का है, मतलब पी डिवाइडेड बाई मतलब कि ये जो है सो आपको प्रॉफिट डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर डिवाइड कीजिएगा तो 123 नहीं, इसको 20 से 30 के बीच में 40 के बीच में होना चाहिए, 123 है जो काफी ज्यादा है। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू भी जो है सो आपको आपको 4.35 है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है सो 20 होना चाहिए तो 3 का है। अच्छा, अब ये ऑटो और उससे कंपोनेंट से रिलेटेड काम करती है, तो यहाँ पे ये जो आपका ये 123 दिखना,
तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और ये 20 दिखना चाहिए जो कि 3 दिख रहा है। तो हम लोग आ जाते हैं इसके रिजल्ट में और एनुअल में चले जाते हैं, तो इससे आपको कुछ चीजें पता चल जाएगा। तो रेवेन्यू में नहीं जाएंगे, अदर इनकम भी इसमें है कंपनी में, उसके अलावा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ये वाले कॉलम जो कि टोटल इनकम से रिलेटेड है, इसके बारे में बात किया जाए। तो टोटल इनकम में देखिएगा तो 2019 में 7700 करोड़ रुपए का था, 2020 में 7252 करोड़ रुपए का था, और 2021 में सीधे आधा हो गया, 2022 में फिर से बढ़ गया, 2023 में फिर से बढ़ गया। अच्छा, अब यहाँ इंटरेस्ट पेमेंट भी दिख रहा है, ये वाला कॉलम इंटरेस्ट पेमेंट का दिख रहा है, मतलब कंपनी पे लोन है, तो कितना लोन है इससे पता चल जाएगा कि 5600 करोड़ का लोन है, 1.38 लाख करोड़ की कंपनी में लगभग 5600 करोड़ का लोन है, मतलब बहुत ज्यादा लोन तो नहीं है कंपनी के मार्केट कैपिटल के हिसाब से, लेकिन इनको जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन वगैरह भी है कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चा है वो भी है लोन के अलावा, उसके अलावा कंपनी में जो इक्विपमेंट लगे और डेप्रिसिएट है उसका भी है। टैक्स वगैरह के बाद में नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं, तो 813 करोड़, 898 करोड़, 520 करोड़, 1100 और 700, मतलब कि 21 में यहाँ पे निगेटिव में प्राइस रहा होगा। और आइए हम लोग अब चार्ट पे देखते हैं कि 21 में क्या रहा होगा। तो हम लोग आ जाते हैं आपका मदरसन, MOTHER मदरसन एंड सुमिंग पे आ जाते हैं क्या भाई, चलो भाई MO, ये तो बहुत दिक्कत है यार, यही तो समस्या है इसकी, एक मिनट रुक जाओ जरा, खुल जाने दो चार्ट को। मदरसन एंड सुमी वायरिंग, MO ये ले नहीं रहा, चलो ठीक है अपन इसी पे कर लेते हैं, हम बार बार सोचते हैं कि अपने उस पे जाए लेकिन ये दिक्कत हो जाती। मदरसन सुमी इंटरनेशनल की बात किया जाए, 21 में इसमें डीप आया होगा और अच्छा खासा डीप होगा। तो देखो 2018 के बाद में ये नीचे आता है, 20 में 21 में जब यहाँ पे जाता है तो ये डबल टॉप बना करके और मार्केट में यहाँ नीचे आता है, और इस प्राइस से अगर हम इस प्राइस तक का, एक मिनट रुको, इस प्राइस से हम इस प्राइस तक का अगर हम यहाँ पे फिब लगाते हैं तो 0.5 और 0.6 से यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास में ये जो ट्रेंड लाइन है यह एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से प्रॉफिट घटा है। देखो सबसे बड़ी चीज है कि आप मार्केट में हो तो 800 से सीधे 500 पे आ गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सपेंडिचर इनका बढ़ा हुआ है और इनका टोटल इनकम में 7000 से सीधे आ गए थे, तो यहाँ से जाहिर सी बात है प्राइस गिरना ही था, तो ये प्राइस गिरा, आधा गिरा, जितना गया था उतना फिर से आ गया, फिर यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। ओके, तो इस हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी अगर प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम कंपनी में आएगी, ये क्लियर हो गया, या प्रॉफिटेबल होना ही चाहिए। यहाँ पे लोन होने के बावजूद भी लोग यहाँ पैसा डाल रहे हैं, यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, यहाँ पैसा डाल रहे हैं, तो एक लेवल पे आप पैसा डालोगे तो आपका पैसा बनेगा, और कहीं भी पैसा डालोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ डबल बॉटम बना, यहाँ डबल टॉप बना, और उसके बाद ये मार्केट सीधे निकल रहा है, अभी कितना जाएगा भगवान जाने, अभी कोई कुछ बोल नहीं सकता है। उसके बाद में हम आते हैं GNXL पे आते हैं, ये सब कंपनी ऑटो सेक्टर के जो पार्ट बने उसकी लीडर है। तो GNXL पे आइए हम लोग GNXL को एनालिसिस करते हैं, पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। GNXL हमारे पास में ये है, तो GNXL में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट कैपिटल इनका 1868 करोड़ का है, और 1868 करोड़ में इनके ऊपर कर्जा है क्या, हाँ 1868 करोड़ में लगभग जो है सो 5-7% का कर्जा है, 203 करोड़ रुपये के इनके ऊपर कर्जा है। अच्छा, उसके बाद में इनका ईपीएस 20 से ऊपर का है, ठीक है, और पी 18 का, ये भी अच्छा है, पी भी 3 का है, और आरओई 20 का होना चाहिए जो कि थोड़ा कम है इसको, और ज्यादा ये ऑटो और इक्विपमेंट बनाती है ये कंपनी, ऑटो से रिलेटेड काम करती है। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे देखना है हमें GNXL के बारे में कि GNXL का चार्ट एनालिसिस का, अच्छा हाँ एक चीज और देखना है हमें, इसका थोड़ा सा रिजल्ट देखना पड़ेगा अपने को और एनुअल ट्रेंड्स देखना पड़ेगा। तो हम टोटल इनकम पे, टोटल इनकम वाले कॉलम पे अगर आप आइएगा तो 910 करोड़ है, 910 करोड़, 891 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 1500 करोड़, और इंटरेस्ट पेमेंट भी है इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने लोन लिया है तो इनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट का भी बोझ है, लेकिन ज्यादा नहीं है, यही कम दे रहा है इंटरेस्ट पेमेंट। नेट प्रॉफिट में आइएगा तो 52 करोड़, 70 करोड़, 88 करोड़, 130 करोड़, और तो ये मीडियम माइक्रो कैप है एक तरह से कहा जाए तो
तो इस हिसाब से जो है आपको नेट प्रॉफिट भी इनका बढ़िया है। तो इनको अगर आप देखिएगा 70 करोड़, मतलब लगातार ये कंपनी ग्रो कर रहा है, तो चार्ट में भी ये कंपनी लगातार ऊपर जा रहा होगा। चलिए GNXL को हम लोग देख लेते हैं, चार्ट में ये लगातार ऊपर जा रहा होगा। देखो अब चार्ट में आप देखोगे यहां से ये कंपनी जो है, ये कंसोलिडेशन के बाद में अगर इस लेवल को ये निकालेगा, ये कंपनी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इस लेवल के ऊपर ये काफी ज्यादा बुलिश हो जाएगा। ओके, बाकी कंपनी में ऐसा तो एज सच कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको ग्रो करना चाहिए। कायदे से देखा जाए तो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसको ग्रो करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, प्राइकॉल के बारे में देखते हैं कि प्राइकॉल का पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। प्राइकॉल को अगर हम देखते हैं तो प्राइकॉल जो है 52 वीक हाई पे चल रहा है, 9 रुपया से 24 रुपये गया है। माइक्रो कैप कंपनी है और ईपीएस 85 का है और सीपीएस 151 का है। पी कम का है, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, पीबी भी खत्म है और आरओई 16 का है। तो फाइनेंशियल पे आ जाएंगे तो इससे आधे से चीजें क्लियर हो जाती है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात किया जाए तो 1400 करोड़ है, 392, 394, 428, 495, 465। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट है, मतलब कंपनी ने लोन भी लिया है, डेप्रिसिएशन वगैरह तो होगा ही। नेट प्रॉफिट आ जाओ तो नेट प्रॉफिट है कि नहीं इसको देखें अगर हम, तो 45 करोड़, 13 करोड़, 16 करोड़, 15 करोड़, 42 करोड़, 26 करोड़, मतलब काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है। तो प्राइस में भी यहाँ फ्लक्चुएशन दिखेगा आपको, तो हम लोग देख रहे हैं इसको। चलिए हम लोग देखते हैं प्राइकॉल को कि इसके प्राइस का क्या हालचाल है। प्राइकॉल, तो प्राइकॉल लिमिटेड का प्राइस अगर हम देखते हैं तो फ्लक्चुएशन के साथ ये कंपनी काफी तेजी से ग्रो करती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये जो है एकदम खड़ा हो गया है यहाँ चार्ट में। अगर आप देखोगे एक मिनट, तो यह जो है एकदम आपको खड़ा हो गया है, इसका चार्ट जो है एकदम अजीब सा चार्ट हो गया है, जो कि सही नहीं होना चाहिए। इस टाइप का चार्ट काफी डेंजर होता है, क्योंकि मार्केट जब रिट्रेस करेगा तो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा। तो अब ये टॉप पे चल रहा, कितना जाएगा कोई नहीं जानता है। अच्छा, इस पे कर्जा कितना है प्राइकॉल पे देखोगे तो 6000 करोड़ कंपनी में 89 करोड़ का कर्जा है, कोई ज्यादा कर्जा नहीं है, मतलब कंपनी ठीक ठाक दिख रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा कर्जा लोन में नहीं फंसी है कंपनी। राजरत्न ग्लोबल को चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे राजरत्न ग्लोबल का, राजरत्न ग्लोबल वायर से रिलेटेड कंपनी काम करती है, जैसे मदरसन एंड सुमी होगा वैसे ही है। तो ये मार्केट कैपिटल 3003 करोड़ रुपये का है, 52 वीक हाई पे चल रहा है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 11 का है, पी 53 का है, पीबी 8 का है और आरओई 15 का है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ रिजल्ट पे, और यहाँ एनुअल ट्रेंड्स में देखते हैं टोटल इनकम की बात किया जाए तो 316 करोड़, 287 करोड़, 338 करोड़, 541, मतलब इनकम इनका बढ़ रहा है। और इंटरेस्ट पेमेंट भी है, मतलब कंपनी ने लोन लिया है, तो कंपनी पे जो है सो लोन कितने का है, 3000 करोड़ में 117 करोड़, कोई खास लोन नहीं हुआ तो ठीक है इंटरेस्ट पेमेंट के हिसाब से। और हम लोग नेट प्रॉफिट में आए अगर हम, तो नेट प्रॉफिट में आप देखिएगा 18 करोड़ है, 23 करोड़ है, 36 करोड़ है, 68 करोड़ सा, मतलब हर एक साल कंपनी ओवरऑल ट्रेंड्स में देखिएगा तो इसमें जो डिप आया होगा ना, मान लीजिए कोई कंपनी है डिप आ रहा है तो क्वार्टरली रिजल्ट खराब हो गया, लेकिन ओवरऑल ईयरली रिजल्ट देखिएगा यहाँ पे तो ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम राजरत्न ग्लोबल का चार्ट एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस, राजरत्न ग्लोबल का अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा खुल जाए चार्ट, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो राजरत्न ग्लोबल जो है यहाँ पे देखिएगा कि हाई लगाया 1500 का, कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है ये जरा देख लीजिए आप। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल है यहाँ पे 3003 करोड़ का, ठीक है। और इसी जगह पे अगर हम इसका देखते हैं प्राइकॉल का, तो 6000 करोड़ का है और 3003 करोड़ का इसका है, तो ये जो है सो इसमें काफी ज्यादा इसमें उछाल आया एज कंपेरिजन टू द प्राइकॉल। तो इस हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ चार्ट राजरत्न ग्लोबल का यहाँ पे डाउनफॉल दिखा रहा है, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ऑपरेटर और प्रमोटर ने यहाँ गेम कर दिया है। तो अब यहाँ पे है कि मान लो कि आप इस जगह से भी आप अगर लगाते हो फिर तो यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, नहीं ये नीचे नीचे जा रहा है, तो अब ये नीचे जाएगा तो ये कहाँ तक नीचे जाएगा ये कोई नहीं जानता है, ये यहाँ तक आएगा या और नीचे जाएगा, और ये कंपनी मेरे ख्याल से इधर सर्किट पे चला है।
तो इसलिए जैसे अभी इसमें नीचे आने की संभावना है अभी राजरतन ग्लोबल में। राणे ब्रेक पे आते हैं हम लोग। राणे ब्रेक का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राणे ब्रेक में कर्ज जो है सो नहीं है इसमें, और 782 करोड़ की कंपनी है। तो राणे ब्रेक पे हम लोग सबसे पहले यहाँ एनालिसिस करेंगे आपका राणे BREA पे। तो हम लोग देख रहे थे कौन सा देख रहे थे, हाँ हम लोग देख रहे थे राजरतन ग्लोबल। तो हम लोग देख रहे थे आपका राजरतन ग्लोबल का देख रहे थे, नहीं हाँ राजरतन ग्लोबल वायर का देख रहे थे। कौन कौन सा हो गया था हमारा, राणे ब्रेक, राजरतन ग्लोबल हो गया, राणे ब्रेक हो गया है, राणे ब्रेक देख रहे थे ना हम लोग, राणे ब्रेक इसमें राजरतन ग्लोबल हो गया था, राणे ब्रेक देख रहे थे हम लोग, राणे ब्रेक, हाँ राणे ब्रेक लाइनिंग का हो गया यहाँ पे। तो ये कंपनी जो है आपको ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, ईपीएस 52 का है और पी 19 का है, पीवी 2 का है और आरओई 14 का है, ओके। और इसका मार्केट कैपिटल 778 का है, अभी ये चल रहा है 1092 पे, तो इसकी भी प्राइस 52 एक हाई पे ही चल रहा है ये। तो हम लोग आ गए हैं राणे ब्रेक का चार्ट एनालिसिस। पहले हम लोग थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू रखता है हमें। टोटल इनकम ईयरली देखिएगा 662 करोड़, 165 करोड़, 153, 158, 164, 186। यहाँ पे ये वाला जो है 23-24 में नहीं एनुअल ट्रेंड हमें देखना पड़ेगा ना। हाँ टोटल इनकम की बात करते हैं तो 520 करोड़, 481, 434, 518, 607, मतलब इनकम ठीक है। आइए हम लोग इसको देखते हैं, डिस्टर्बेंस बार बार हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तो 36 करोड़ है, 34 करोड़ है, 31 करोड़ है, 27 करोड़ है, फिर से 33 करोड़ है, तो मतलब एक रेंज में प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम लोग आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे और राणे ब्रेक को देखते हैं, राणे ब्रेक लाइनिंग, ठीक है। देखो तो ये स्टॉक में जो है एक बार ये 17 के बाद में ये नीचे ही नीचे है, और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इसके प्राइस जो है इस लेवल से या इस ट्रेंड लाइन से बार बार ऊपर साइड में जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज देखने को आ रहा है कि ये जो है इस लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तो इसमें एक अपर साइड में शूट आना चाहिए। मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट प्रॉफिट है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कर्ज नहीं है इस पे, लेकिन ओवर प्राइस्ड है। ये एक समस्या इसमें कि कंपनी ओवर प्राइस्ड है, इसलिए ओवर प्राइस्ड है क्योंकि 778 करोड़ की कंपनी है, फेस वैल्यू 10 का है और बाकी फंडामेंटल तो सही अच्छा है, लेकिन जो कंपनी के प्राइस है उस हिसाब से जो है इसका रेट काफी महंगा है, मतलब कि इसको हमें और सस्ता में लेना चाहिए, ये जो है सो यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसलिए जो है सो ये कंपनी यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, नहीं तो ये काफी इतना प्रॉफिट में ये कंपनी काफी सूट कर जाता, लेकिन ये नहीं हुआ ऐसा, तो इसलिए जो है सो ये कंपनी टाइम पास कर रहा है और ये कंपनी टाइम पास करेगा और टाइम पास कर सकता है। और इसके टेक्निकली अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हमारे लिए टारगेट ये रहेगा, और अगर हम यहाँ से टोटल टारगेट अगर हम यहाँ से देखते हैं तो देखिए 1:1 तो यही है, उसके बाद में 1.5 या 1.6 का टारगेट ये रहेगा और 2 का टारगेट 2500 का रहेगा, लेकिन कंपनी के मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये प्राइस जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए समस्या है। इस चीज का सबसे ज्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं राणे ब्रेक के बाद में एनडीआर ऑटो कंपोनेंट पे आ जाते हैं हम लोग और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे पहले एनडीआर ऑटो कंपोनेंट का। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक है। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स जो है ये भी ऑटो से रिलेटेड कंपोनेंट बनाती है और मार्केट कैपिटल 1076 करोड़ का है। इन पे कर्जा है क्या एनडीआर ऑटो कंपोनेंट पे, ऑटो कंपोनेंट मतलब 1,70,00,000 कोई ज्यादा कर्जा नहीं है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट पे, और यहाँ पे 1076 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है और 987 पे ये चल रहा है, फेस वैल्यू 10 का है, मतलब ज्यादा महंगा है ये शेयर। ईपीएस 27 का है और पी 32 का है, आरओई ठीक है, बाकी फंडामेंटली ये तो सही है, लेकिन इसकी प्राइस जो है ओवर प्राइस्ड है। अच्छा अब रिजल्ट पे आ जाते हैं और एनुअल ट्रेंड्स को इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे।
टोटल इनकम पे आ जाए तो 105 करोड़, 122 करोड़, 240 करोड़, 399 करोड़, 600 करोड़ है। एक्सपेंडिचर भी उसके हिसाब से, इंटरेस्ट पेमेंट भी है क्योंकि इन्होंने लोन लिया है। नेट प्रॉफिट पे आइएगा तो नेट प्रॉफिट नहीं है कंपनी में, 1 करोड़ है, 6 करोड़ है, 10 करोड़ है, 21 करोड़ है, 32 करोड़ है, ठीक है। तो कंपनी में थोड़ी सी नेट प्रॉफिट का प्रॉब्लम है। अब चार्ट इसे क्या चार्ट बोल रहा है, एनडीआर ऑटो कंपोनेंट का चार्ट क्या बोलता है, वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो देखिए एनडीआर ऑटो कंपोनेंट ये हो गया हमारे पास में। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एक तरह से कहा जाए तो कंपनी यहाँ पे आपको ये डबल टॉप बना रही है, अगर इसके ऊपर निकलती है तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये इस लेवल के नीचे आएगा ना मार्केट तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और इस लेवल के नीचे आएगा तो नीचे का लेवल ये है और यहां से आप सीधे फ्यूल लगा दीजिएगा तो कंपनी यहां पे आकर के इसको सपोर्ट लेना चाहिए। और इस हिसाब से आपका जो फिबोनाची का लेवल होगा या ट्रेंड लाइन होगा यही बनेगा। ओके, तो ये इसका टेक्निकल एनालिसिस हो गया। और यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे काफी देर कंसोलिडेशन के बाद फिर निकले, लेकिन फिर भी फेस वैल्यू के हिसाब से तो कंपनी थोड़ी महंगी दिख रही है। पावना इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग देखेंगे, पावना इंडस्ट्रीज के बारे में चलिए देखते हैं हम लोग, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे पहले पावना इंडस्ट्रीज का। तो PAVNA, ठीक है, पावना इंडस्ट्रीज का काम है, ये भी ऑटो कंपोनेंट बनाती है। और इसका जो है सो ईपीएस नहीं है, सीईपीएस नहीं, पी नहीं, मतलब कंपनी के प्रॉफिट उतना नहीं है, यह कंपनी नया है, ठीक है। इसका मार्केट कैपिटल 595 करोड़ का है, कंपनी पे लोन है क्या, 88 करोड़ का लोन है, तो इंटरेस्ट पेमेंट भी ये कर रहे होंगे, तो फाइनेंशियल रिजल्ट से आपको ये चीज पता चल जाएगा। टोटल इनकम के बारे में बात किया जाए तो टोटल इनकम इनके पास में है 23 में ही ये कंपनी शायद आई है, इसलिए ज्यादा हमें डाटा नहीं मिलेगा, 69 करोड़ है और 68 करोड़ है और 77 करोड़ है, ओके। और इंटरेस्ट पेमेंट है इसमें क्योंकि जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट में भी कोई खास नहीं है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग आ जाते हैं कि पावना इंडस्ट्रीज का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करें। पावना इंडस्ट्रीज का टेक्निकल एनालिसिस अगर आप कीजिएगा तो ये भी ओवर वैल्यूड है और इसका फेस वैल्यू कितने का है, फेस वैल्यू 10 का है, मतलब महंगा है ये शेयर, ठीक है। इसलिए जो है सो अब यहाँ पे एक ये चार्ट बन रहा है, यहाँ पे ये जो है सो रिट्रेस कर रहा है और इसके नीचे आ जाएगा तो फिर दिक्कत है, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसके ऊपर हम लोग बुलिश ही रहेंगे। और ये बुलिश कहां तक रह सकते हैं अगर हम लोग देखें तो इस प्राइस से आप लीजिएगा अगर यहां तक का, तो इस हिसाब से हमें जो प्राइस मिल गया हमारे 2 पॉइंट का, मतलब यहां से पैसा 2.1 तक हो गया है। अब हमारे पास में ये प्राइस लेवल है लेकिन वो प्राइस लेवल बीट करना हमें अभी मुश्किल दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो ये थोड़ा सा टफ है इसके लिए, बाकी ये इस रेंज में जरूर घूम सकता है। पावना इंडस्ट्रीज के बाद हम लोग आ जाते हैं फ्रंटियर स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए फ्रंटियर स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। और आ जाते हैं फ्रंटियर स्प्रिंग का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, FRONTIER फ्रंटियर स्प्रिंग का फेस वैल्यू 10 का है, ये भी महंगा ही होगा, और EPS 32 का है, मार्केट कैपिटल जो है 630 करोड़ का है और PE 48 का है और ROE 14 का है। और फाइनेंशियल रिजल्ट में अगर आप जाएंगे तो इनपे कुछ लोन वगैरह है क्या, ये थोड़ा सा देख लो आप। फ्रंटियर स्प्रिंग में 4 करोड़ का लोन है, कोई ज्यादा लोन नहीं है। टोटल इनकम के बारे में बात की जाए 136 करोड़, 29 करोड़, 25 करोड़ नहीं, हमें एनुअल चाहिए, हमें क्वार्टरली हमें देखना नहीं है यहाँ पे। तो टोटल इनकम के बारे में बात किया जाए तो 100 करोड़ है, 77 करोड़ है और 84 करोड़ और 136 करोड़ है, और इनके पास में कुछ इंटरेस्ट पेमेंट भी है लेकिन वो बहुत माइनर है और प्रॉफिटेबल है कंपनी ओवरऑल अगर देखा जाए तो। तो अब हमें एक चीज देखना पड़ेगा, इसका टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, तो फ्रंटियर स्प्रिंग की FRONTIER, ठीक है, फ्रंटियर स्प्रिंग, ठीक है। फ्रंटियर स्प्रिंग का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये अभी 1600 पे चल रहा है जो कि प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ठीक है, और टॉप पे है तो अभी इस पे घुसने का कोई मतलब नहीं है, बाकी बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चार्ट देख के जो चीज दिख रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। साल ऑटोमोटिव पे हम लोग आ जाते हैं, चलिए साल ऑटोमोटिव पे देखते हैं। और सबसे पहले साल ऑटोमोटिव का हम यहाँ पे करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, साल ऑटोमोटिव ये है हमारे पास में
और यहाँ पे आ जाते हैं तो फेस वैल्यू 10 का है, मार्केट कैपिटल 123 का है और 696 चल रहा है, मतलब महंगा ही है ऐसे अब। बाकी ईपीएस 21 का है, पी 24 का है, पीबी 3 का है, आरओई 13 का है। फाइनेंशियल रिजल्ट पे आ जाओ, यहाँ से कुछ चीजें आपको एनुअल ट्रेंड से पता चल जाएगा। टोटल इनकम अगर मार्केट में देखते हैं हम तो यहाँ पे, अच्छा इसमें थोड़ा सा 123 में 36 करोड़ रुपए कर्जा है, थोड़ा सा डेंजर वाला ये सिचुएशन है, इतना कर्जा नहीं होना चाहिए। 131 करोड़, 86 करोड़, 95, 152, और इसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी इनके पास में है। और नेट प्रॉफिट में मार्केट में ये बहुत फ्लक्चुएशन वाला है। चलिए चार्ट देखते हैं हम लोग आपको, और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि साल ऑटोमोटिव का चार्ट क्या कहता है। साल ऑटोमोटिव का चार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है ये दिख रहा है आपको। और ये जो है सो सर्किट वाला भी स्टॉक है, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये इस लेवल से फिर से इसमें सेलिंग आ जाए या प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि ये नीचे से जो लिया है 89 से 700 रुपये चला गया, तो उसके लिए बहुत मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो अच्छा प्राइस है, तो वहां पे वो प्रॉफिट बुक कर सकता है। अब बाकी ये जो है सो कंपनी यहाँ अगर आपने 20-22 में लिया होता तो ठीक रहता, लेकिन अब तो बिल्कुल यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है और काफी ज्यादा हाई प्राइस पे, अगर कोई ले रहा है तो लेगा। इनके ही आपको व्हील्स के बारे में पहले हम लोग टेक्निक फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। इनके ही व्हील्स ENKEI, ठीक है, इनके ही व्हील्स जो है सो व्हील्स रिलेटेड काम करती है। और यहाँ पे 1206 करोड़ की कंपनी है, अभी 660 का प्राइस चल रहा है, ईपीएस 5 का है, और यहाँ पे फेस वैल्यू 5 का है, ईपीएस 13 का है, पी 48 का है जो कि ज्यादा है, आरओई 10 का है। आ जाते हैं रिजल्ट पे और हमें आ जाते हैं एनुअल ट्रेंड्स में। टोटल इनकम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास में 267, 236, 452, 671 और 729। और इस पे कर्जा भी है क्या, तो इनके ही पे 166 करोड़ का, 1200 में 166 करोड़ कर्जा है, ठीक है, कर्जा बहुत ज्यादा नहीं है, तो इनको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट भी देना पड़ रहा है, वो भी ठीक ठाक इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं ये तो। और नेट प्रॉफिट भी, फिर भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल है 2020 को छोड़ दिया जाए तो हम लोग आ जाते हैं अब यहाँ पे इनके ही व्हील्स का चार्ट देख लेते हैं, ENKEI। इनके ही व्हील्स इंडिया का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये वोलेटाइल है और काफी ज्यादा वोलेटाइल है, और यहाँ पे ये जो है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से बार बार यहाँ पे बाइंग आ रही है। और हमारे पास में एक ये ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे ये प्राइस यहाँ पे जाने के बाद में हो सकता है कि ये बाउंड ये नीचे आ जाए थोड़ी सी, ठीक है, तो यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट लेके इसी में चलता रहे या तोड़ देगा अगर, तो नीचे आ सकता है। और नीचे आने का जो लेवल है अगर आप उसको देखिएगा, तो हमारे पास एक ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, तो अभी इसमें अभी बुलिश मोमेंटम चल रहा है, इसको एंजॉय कीजिए जो लोग भी हैं इसमें। बाकी बाई सेल में कोई रिकमेंडेशन अपना नहीं है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं इनके ही व्हील्स के बाद में हमारे पास में काइनेटिक इंजीनियरिंग पे आ जाते हैं हम लोग। काइनेटिक इंजीनियरिंग का अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो काइनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। काइनेटिक इंजीनियरिंग का हम लोग सबसे पहले मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 454 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और यहाँ पे कर्जा 56 करोड़ का है, ये थोड़ा सा अनुचित दिख रहा है। फेस वैल्यू 10 का है, ये भी महंगा ही शेयर है। ईपीएस 2 का है, पीस 71 का है, थोड़ा सा अनबैलेंस सिचुएशन है यहाँ पे। और भले आपको ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा मिल जाए, लेकिन मार्केट गिरेगा तो बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। टोटल इनकम 123, 118, 87, 124 है। इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी को कर्जा है। नेट प्रॉफिट भी इधर 3 साल तो निगेटिव था, इधर 2 साल पॉजिटिव है। तो आइए हम लोग इसका थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। चलिए काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में अगर हम चार्ट देखते हैं तो देखो बहुत ज्यादा वोलेटाइल ये चार्ट है, और ये तो बहुत दिन से इधर से ये डाउन ट्रेंड में था, और कंपनी ने यहाँ पे जो है एक ये अप ट्रेंड में आना शुरू हुआ अब ये, हालांकि अभी भी ये महंगा है और कंपनी में अभी भी कर्जा वगैरह है, तो ये थोड़ा सा इशू है। और यहाँ पे ये लेवल जो है सो इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और फिर यहाँ पे आ सकता है। ओके, उसके बाद में क्रांति इंडस्ट्रीज के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, तो चलिए क्रांति इंडस्ट्रीज के बारे में KRANTI। क्रांति इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया जाए तो क्रांति इंडस्ट्रीज में जो फेस वैल्यू है इसका वो 10 का है और
112 का है, कंपनी का मार्केट कैपिटल 79 का है, कर्जा है क्या, इस पे कर्जा होना चाहिए 29 करोड़ कर्जा है, मतलब गड़बड़ है, मतलब 50% कर्जा होना मतलब निकलना बहुत मुश्किल होगा। ईपीएस 0.54 का है, पी 128 का है और आरओई 1.86 का है। एनुअल ट्रेंड्स देख लो रिजल्ट का, तो एनुअल टोटल इनकम के बारे में बात करोगे आप तो 91, 92, 54 एनुअल इनकम तो बढ़ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट लेकिन इनके पास ज्यादा है, कर्जा लगभग 50% है, नेट प्रॉफिट में है लेकिन ये नेट प्रॉफिट शो ही कर रहे हैं, एक्चुअल में हमें नहीं लग रहा है कि नेट प्रॉफिट होगा इनका। चलिए आ जाते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, KRANTI। तो क्रांति इंडस्ट्रीज में देखिए ये कंपनी जो है आपको यहाँ इसका सपोर्ट, ये लेवल ही सपोर्ट है जहां से दो बार सपोर्ट लिया है और रेजिस्टेंस इसका ये वाला है, यहाँ पे जाने के बाद कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है और अगर हम इस लेवल से अगर हम फिब लगाते हैं तो 0.5 और 0.6 पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अगर इसको नीचे तोड़ देगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, और हम इसको इस तरह से अगर पकड़ के चलें तो ये लास्ट होप है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर जाए तो ठीक है। ओके, तो क्रांति के बाद में हमारे पास में लास्ट है वैरोक इंजीनियरिंग, तो वैरोक इंजीनियरिंग का हम लोग पहले वैरोक इंजीनियरिंग का यहाँ पे VA-ROC वैरोक इंजीनियरिंग का हम पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो वैरोक इंजीनियरिंग का फेस वैल्यू 1 का है, मतलब सस्ता है और ये जो है सो 717 पे चल रहा है अभी और मार्केट कैपिटल 10,000 करोड़ का है, कंपनी बड़ी है और लेकिन इस पे 1645 करोड़ का कर्जा है और ईपीएस 28 का है, पी 28 का है, आरओई 39 का है, ठीक है, कंपनी तो प्रॉफिटेबल दिख रही है यहाँ पे और टोटल इनकम के बारे में बात की जाए तो ये भी सही है और कंपनी पे इंटरेस्ट पेमेंट है, कर्जा है तो इंटरेस्ट पेमेंट भी है। टैक्स की बात किया जाए तो हम नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट भी है इधर को छोड़ दिया जाए तो। तो वैरोक इंजीनियरिंग का चार्ट क्या कह रहा है, VARROC, कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज रहा होगा ऐसा अगर समझ में आ रहा मुझे तो। वैरोक इंजीनियरिंग का लिस्टिंग हुई थी, अच्छा यहाँ पे प्रमोटर ने गेम कर दिया, प्रमोटर ऑपरेटर ने गेम कर दिया, ओ माय गॉड, ये जो है 1400 रुपये से सीधे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद में ये जो है सो इस टाइप से ये चल रहा है, तो अभी ये मार्केट में ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा, लंबे कंसोलिडेशन में चला जाएगा यह, ठीक है। और अगर आप यहां से भी आप इसको लेके चलोगे तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इससे अगर हम यहां तक का मिलाते हैं तो 0.5 और 0.6 पे है, अभी फिर से यहां पे सेलिंग आ सकती है और वो इस लेवल तक यहां पे सपोर्ट हमारा, अभी रेजिस्टेंस था यही सपोर्ट का काम करेगा और यहां तक ही आ सकता है, अब फिर इसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो ले दे करके अभी इसमें एंट्री नहीं बन रही है टेक्निकली अगर देखा जाए तो, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, बाकी बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है और वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।